पन्ना जिले के अमानगंज में बीते दिन आयोजित विकास यात्रा की सभा में स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए कलेक्टर पन्ना संजय मिश्रा ने आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे लेकर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के सदस्य श्रीकांत दीक्षित ने प्रेस वार्ता करके इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विगत दिनों जबलपुर हाईकोर्ट ने पन्ना के कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा पर टिप्पणी करते हुए उन्हें भाजपा का एजेंट कहा था और यह टिप्पणी पूरी तरह से सही हो गई है। उन्होंने कहा है कि पन्ना ने कलेक्टर अपने पद की मर्यादा को तोड़ते हुए भाजपा एजेंट की तरह सभा को संबोधित किया और लोगों को भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए प्रेरित भी किया, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। क्यों हमारे मुख्यमंत्री जी कहने हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही होगी, सबके अंदर उतना ही जोश है। क्यों हमारे मुख्यमंत्री जी कहने हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय संजय मिश्रा ने जो अमानगंज की सभा में बोला है वो बहुत आपत्तिजनक है और कलेक्टर पन्ना को ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो ये जो बोल रहे हैं, ये भाजपा के एजेंट बन के बोल रहे हैं और सीधे वोटरों को कह रहे हैं कि भाजपा के पक्ष में वोट करें, जो एक IAS अधिकारी को ये शोभा नहीं।